हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, और क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में देयर इज एन एक्चुअल सेल ऑफ गुड्स, इट इज नोन एज सेल। गुड्स का सेल होता है जिसे सेल बोला जाता है। अ सेल इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सेलर ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बायर फॉर अ मनी कंसिडरेशन। जो सेल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इस तरीके का होता है जिसमें जो सेलर है, जो बेचने वाला है, ट्रांसफर कर देता है द ओनरशिप ऑफ गुड्स, गुड्स की ओनरशिप को टू द बायर, खरीदने वाले को, फॉर अ मनी कंसिडरेशन, मनी के लिए। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कंडीशन रिगार्डिंग सेल। ये पांच एसेंशियल कंडीशन हैं सेल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए। वन इज द बायर, एक बायर, एंड अदर इज द सेलर, दूसरा सेलर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेल इज द गुड्स, जो सब्जेक्ट मैटर है सेल का वो गुड्स होने चाहिए। पेमेंट शुड बी मेड इन द कंट्रीज लीगल करेंसी, जो पेमेंट है वो कंट्री की लीगल करेंसी में की जानी चाहिए। द गुड्स शुड पास फ्रॉम सेलर टू बायर, जो गुड्स हैं वो पास होने चाहिए सेलर, बेचने वाले से, टू बायर, खरीदने वाले को। ऑल द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जितनी भी नेसेसरी कंडीशंस होती हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, शुड बी प्रेजेंट, वो होनी चाहिए। लाइक जैसे कि फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एटसेट्रा। एग्रीमेंट टू सेल। एन एग्रीमेंट टू सेल इज आल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो एग्रीमेंट टू सेल होता है ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, ऑफ गुड्स, इन विच, जिसमें द सेलर, जो बेचने वाला है, एग्री करता है टू ट्रांसफर गुड्स, कि वो गुड्स को ट्रांसफर करेगा टू द बायर, बायर खरीदने वाले को, फॉर अ प्राइस, किसी भी प्राइस पे, एट अ लेटर डेट, किसी भी बाद वाली डेट पे, और आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, या फिर किसी भी कंडीशन के फुलफिल होने के बाद। वेयर देयर इज अ विलिंगनेस ऑफ बोथ द पार्टीज टू कॉन्स्टिट्यूट अ सेल, इसमें दोनों पार्टीज की विलिंगनेस होती है सेल करने की। दैट इज द बायर एग्रीज टू बाय, जो बायर है खरीदने वाला वो एग्री करता है बाय करने के लिए। एंड द सेलर, जो बेचने वाला है, इज रेडी, वो तैयार है टू सेल द गुड्स, गुड्स को सेल करने के लिए, फॉर अ मॉनिटरी वैल्यू, पैसों के लिए। इन एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है, इज डन एट अ फ्यूचर डेट, वो किसी भी फ्यूचर डेट पे की जाती है। दैट इज व्हेन द टाइम इलैप्सेस, जब टाइम इलैप्स होता है और प्रोग्रेस, या टाइम प्रोग्रेस होता है, और व्हेन द नेसेसरी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, या फिर तब जब जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस। बेसिस फॉर कंपैरिजन। सेल, व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है फॉर मनी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन के लिए, टेक्स प्लेस इमीजिएटली, जो कि इमीजिएटली हो जाता है, इट इज नोन एज सेल, इसको सेल बोला जाता है। एग्रीमेंट टू सेल, व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज हैं, एग्री टू एक्सचेंज द गुड्स, वो एग्री करती हैं गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, फॉर अ प्राइस, किसी भी प्राइस के लिए, एट अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट, किसी भी फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे, इट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल, इसको एग्रीमेंट टू सेल बोला जाता है। एक जो मेन डिफरेंस है सेल और एग्रीमेंट टू सेल के बीच में वो यही है कि सेल में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है गुड्स का, वहीं एग्रीमेंट टू सेल में किसी भी फ्यूचर डेट स्पेसिफाई की जाती है ट्रांसफर करने के लिए। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो एग्जीक्यूट हो गया है। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्जीक्यूट होगा। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, सेल में ट्रांसफर ऑफ रिस्क होता है, वहीं एग्रीमेंट टू सेल में नहीं होता। नेचर, जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहीं एग्रीमेंट टू सेल जो होता है वो कंडीशनल होता है, या मतलब किसी भी कंडीशंस के फुलफिल होने के बाद। टाइटल, इन सेल में
द टाइटल ऑफ गुड्स, जो गुड्स का टाइटल है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द बायर, खरीदने वाले को, विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स, गुड्स के ट्रांसफर के साथ। वहीं इन एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में द टाइटल ऑफ गुड्स, जो गुड्स का टाइटल है, रिमेन्स विद द सेलर, वो सेलर के पास रहता है, बेचने वाले के पास ही रहता है, एज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स का ट्रांसफर नहीं होता। राइट टू सेल, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में बायर के पास है राइट सेल करने का, वहीं एग्रीमेंट टू सेल में ये राइट सेलर के पास है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सब्सिक्वेंट लॉस और डैमेज टू द गुड्स, सेल में बायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर कोई भी नुकसान होता है गुड्स को, वहीं एग्रीमेंट टू सेल में ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। टैक्स, सेल में वैट इज चार्ज एट द टाइम ऑफ सेल, जैसे ही सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है वैट चार्ज किया जाता है। एग्रीमेंट टू सेल में नो टैक्स इज लिव्ड, कोई भी टैक्स नहीं होता। सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में द बायर, जो खरीदने वाला है, कैन क्लेम डैमेजेस, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है फ्रॉम द सेलर, बेचने वाले से, एंड प्रोप्राइटरी रेमेडी, रेमेडी मांग सकता है फ्रॉम द पार्टी, उस पार्टी से टू हुम द गुड्स आर सोल्ड, जिसको गुड्स बेचे गए हैं। वहीं एग्रीमेंट टू सेल में द बायर हैज द राइट, जो बायर है उसके पास राइट है क्लेम करने का सिर्फ डैमेजेस। राइट ऑफ अनपेड सेलर, जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल का, इसमें अनपेड सेलर के पास ये राइट है कि वो सू कर सकता है प्राइस के लिए। वहीं एग्रीमेंट टू सेल में जो अनपेड सेलर है उसके पास राइट है कि वो सू कर सकता है सिर्फ डैमेजेस के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।